जय हिंद प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग कक्षा पाँच जे सी आर टी भाषांजलि पाठ पुस्तक में पाठ दस मेरे प्रथम शिक्षक इस पाठ को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों यह भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जीवनी का एक अंश है ठीक है बच्चा इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व होता है यदि उसे एक ढंग के शिक्षक मिल जाए और वह उनके बातों का अनुकरण करे उनके बातों को माने तो किस प्रकार अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं इसमें डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि आगे जीवन में क्या करेंगे और बाद में वे रॉकेट इंजीनियरिंग में एरोनोटिकल साइंस में इस विज्ञान के क्षेत्र में वे कदम रखते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं इसी के कारण लोग उन्हें भारत में मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं ठीक है बच्चा तो चलिए हम पढ़ेंगे कि इस यह जो मिसाइल मैन का खिताब है उन्हें जो मिला है वो उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई किस प्रकार उन्होंने पंछियों को उड़ते देख स्वयं उड़ने का मन बनाया कि किस प्रकार मैं भी आकाश में विमानों में उड़ूँ और इस प्रकार उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी ठीक है चलिए पढ़ते हैं मैं जब मैं रामेश्वरम में पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था तो श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे शिक्षक हुआ करते थे ये जो मैं कह के संबोधित कर रहे हैं और डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम स्वयं को कर रहे हैं वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे उनकी कक्षा में उपस्थित रहना सभी छात्रों को अच्छा लगता था आप लोगों के भी विद्यालय में कुछ एक ऐसे शिक्षक होंगे जिसे पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है उनके पढ़ाने का तरीका उनके समझाने का तरीका उनके बताने का तरीका आप सभी छात्रों को पसंद आता होगा उन्हीं शिक्षकों में से जो इनके शिक्षक थे उनका नाम श्री सुब सुब्रमण्यम अय्यर था जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगते थे ठीक है एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख पूछ एवं सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पक्षी का चित्र बनाया चूँकि वो पक्षी के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंखों को उनकी पूँछ को और उनके सिर को दर्शाते हुए एक चित्र बनाया कि किस प्रकार पक्षी पंखों को पंखों को फैलाकर उड़ती है अपनी सिर को ऊपर नीचे करती है पूँछ को टेढ़ा मेढ़ा करती है तो इन सभी के बारे में उनके शिक्षक बता रहे थे फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ान भरती है तथा तो किस प्रकार अपनी पूँछ के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है यानी वो अपने पूँज के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है इस विषय पर उन्होंने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने उड़ान भरने आसमान में स्थिर रहने स्थिर हो जाने तथा सामूहिक उड़ान जैसी कई धारणाओं को विस्तार से समझाया ठीक है आप सभी देखे होंगे पिछा कि आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं तो कई होते हैं जो समूह में उड़ते हैं कुछ एक पक्षी ऐसे होते हैं जो आकाश में हवा में तैरते हैं ठीक है पंखों को खोल करके मजे से हवा में तैरते रहते हैं जैसे चील हो गया खूब देर तक वो पंछी हवा में रहे होते हैं तो उन्हीं सभी विषयों के बारे में इनके शिक्षक इनको समझा रहे हैं कक्षा के अंत में उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया उसे छात्र समझ पाए या नहीं मैंने कहा मैं नहीं समझ पाया यही बात कई अन्य छात्रों ने भी दोहराई अब देखिए, उन्होंने 25 मिनट तक समझाया इतने वे भी बच्चे बोल रहे हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया तो इस बात से वे चिढ़ते नहीं हैं गुस्सा नहीं होते हैं वो क्या वो करते हैं छात्रों को फिर से समझाने का प्रयास करते हैं या फिर उन्हें समुद्र तट बुलाते हैं श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए गुस्से नहीं हुए बल्कि सभी छात्रों से शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पहुंचने को कहा एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए थे बालू के टीलों से समुद्र की लहरें की टकराहट का हमने भरपूर लुप्त उठाया। यानी जब आप समुद्र तट जाओगे बच्चा तो वहाँ कई आ, कई मीटर तक वहाँ रेत भी रहती है और समुद्र की लहरें आकर के उस ले उन रेतों से टकराती है तो आजी एक अलग ही तरह का आवाज़ आता है तो उन्हीं आवाज़ का ये आनंद उठा रहे थे हमारे शिक्षक अय्यर जी ने हमें दस अथवा बीस के समूह में उड़ते हुए समुद्री पक्षी दिखाए समुद्र में बहुत सारे पक्षी आते हैं कई देश के कई विदेश के पक्षी वहाँ पे आते हैं तो उन्हीं पक्षियों को वह दिखाएं जो कि समूह में थे दस या के या बीस के समूह में उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हुए ये चकित इसलिए हुए कि आज तक उन्होंने गांव में इस प्रकार के पक्षी को नहीं देखा था कि वे समूह में हों या फिर समुद्र में कई तरह के पक्षी होते हैं बच्चों ने इस तरह छात्रों ने इस तरह नहीं देखा होगा या फिर शिक्षक ने उन्होंने जो समझाया था कि पक्षी जिस प्रकार उड़ान बढ़ती है पूछ के सहारे अपनी दिशा बदलती है इन सभी को ध्यान से देखना उन लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था उन्हें उन उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम उसकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नज़र आते हैं किस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उन पक्षियों की पूँछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपनी इच्छित दिशा में मुड़ने के लिए वे अपनी पूंछ का उपयोग किस तरह करते हैं ठीक है माफ कीजिएगा इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ है और उस इंजन को शक्ति कहाँ से मिलती है बच्चों आप कई ऐसे यान देखे होंगे जैसे बस मोटरसाइकिल कार इन सभी में इंजन होता है ठीक है इंजन होता है इंजन को शक्ति देने के लिए हम उसमें ईंधन का प्रयोग करते हैं चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो सी हो ये सभी क्या हैं ये सभी उस इंजन को शक्ति देने के साधन है यानी उससे इसे शक्ति लेकर के इंजन काम करता है उस और उस वाहन में क्या होता है उस वाहन के पहिए घूमते हैं उसमें गति होती है तो पक्षी को कहाँ से शक्ति मिलती है उसका इंजन कहाँ है इस पर उन्होंने समझाया कि पक्षी को शक्ति उसके अपने जीवन एवं उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है अब पक्षी को जीने के लिए उड़ान भरना क्यों जरूरी है क्योंकि अपने भोजन के तलाश के लिए अपने आवास के निर्माण के लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो यही चीज़ उन्हें प्रेरित करती है उड़ने के लिए ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाई देखिए जब भी आपको वास्तविक जीवन की घटनाओं से उदाहरण देकर समझाया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से तरीके से समझ जाओगे श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे वे हमें प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देते थे इसे कहते हैं सच्चा अध्यापन मेरे लिए एक घटना सिर्फ पक्षी की उड़ान क्रिया समझने तक सीमित नहीं रही पक्षी की उड़ान ने के पाठ ने मेरे दिल में एक खास जगह भावना बना दी थी ये वही जग ये वही समय था बच्चा जब उन वे उड़ान की ओर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे थे मैंने सोचा कि भविष्य में मेरे अध्ययन का क्रम उड़ान एवं उड़ान प्रणाली से संबंधित रहेगा श्री अय्यर के अध्यापन एवं समुद्र किनारे उस घटना ने भविष्य में, में मदद की एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि, कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली से संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे पढ़ाई की जाए अब उन्हें यह तो पता चल गया था कि मुझे उड़ान प्रणाली से संबंधित है मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा ये बात वो अपने शिक्षक श्री अय्यर से पूछते हैं उन्होंने मुझे तसल्ली से समझाया पहले मैं आठवीं की पढ़ाई पूरी करूं फिर हाँ स्कूल करूं, उसके बाद उड़ान प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूं, ठीक है पहले आप एट की पढ़ाई कर लो यानी आठवां पास कर लो फिर टेंथ पास करो फिर इंटरमीडिएट करो उसके बाद क्या करो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लो और वहाँ पे आगे की पढ़ाई करो उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पढ़ाई अपनी पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से कर लूँ तो उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने में सक्षम हो सकूँगा उनकी सलाह पर चलते हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय चुना पक्षी की उड़ान के प्रदर्शन और शिक्षक महोदय के इस सलाह ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया इसी इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया और संयोग से इसी से मेरा पैसा तय हुआ एक रॉकेट इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी व्यक्ता के रूप में मेरा जीवन रूपांतरित हो गया तो बच्चा ये था डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के प्रथम शिक्षक के समझाने से जो उनके जीवन में परिवर्तन आया उसी का एक अंश तो बताइए आप लोगों को या वीडियो कैसी लगी वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और भारत तो उस क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ठीक है बच्चा तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके जो प्रश्न उत्तर के वीडियो है वो अपलोड है आप वहाँ से देख सकते हो धन्यवाद